गुड इवनिंग एवरीबॉडी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है हम आज बातचीत करने जा रहे हैं इकोलॉजी एन्वायरमेंट लेक्चर वन इसे हम इस तरीके से कवर करना चाहते हैं कि जैसे इकोलॉजी एन्वायरमेंट में मान लीजिए कि आठ टॉपिक है तो आठ क्लास में कवर हो जाना चाहिए या दस टॉपिक है तो दस क्लास में कवर हो जाए भले ही वीक में एक ही क्लास हो लेकिन मतलब छः सात वीक में फिर सिलेबस पूरी तरह से कवर हो जाए हम आज शुरुआत कर रहे हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट इस सब्जेक्ट में बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक को हम जानेंगे कि सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है कहाँ इसके सवाल बनते हैं किस तरीके की इसमें बातें आती है और भी बहुत कुछ एक स्टूडेंट ने कमेंट जो किया था मुझे अच्छा लगा उन्होंने लिखा है कि सर प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए कोई टेस्ट सीरीज तो मेरे माइंड सेट में भी है एक टेस्ट सीरीज का टाइमिंग हम फिक्स कर देते हैं शनिवार के दिन हम 50 क्वेश्चन हर सैटरडे करेंगे फिर धीमे धीमे इसको 50 के 100 क्वेश्चन या तो एक दिन में या दो दिन में करते रहेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चनों को एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा तो हम कच, कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन और सब्जेक्ट वाइज लाएंगे या टॉपिक वाइज लाएंगे पहले डिक्लेयर होगा कि इस टॉपिक से जुड़े हुए इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे ताकि प्रैक्टिस भी होती चली जाए रिवीजन में भी मदद मिल जाए और इसी बहाने आपको डायमेंशन अलग तरीके से भी मिलते रहे हम इसमें आ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन जो हमारी टेस्ट सीरीज में भी बन रहे हैं उसको भी देखते चलेंगे तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्लास की इकोलॉजी इन्वायरमेंट की बिल्कुल इकोलॉजी इन्वायरमेंट इस बार पूरा होगा पूरी तरह से यह मैं कह सकता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट अधूरा होगा पूरा होगा इकोलॉजी इन्वायरमेंट दो मिनट का समय में आप लोगों का लूंगा यदि आप अपनी तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है लाइव मेंटरशिप का अतिरिक्त ऑप्शन आपको मिलता है और मेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कॉम्बो का मतलब होता है जीएस और ऑप्शनल दोनों इसमें भी आप प्लस और आइकॉनिक दोनों ले सकते हैं टेन परसेंट डिस्काउंट के साथ इस समय जो बेस्ट ऑफर चल रहा है वो आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप नौ महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको दो महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है मतलब नौ महीने में ही ग्यारह महीने की तैयारी बारह महीने के सब्सक्रिप्शन में तीन महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है अठारह महीने के सब्सक्रिप्शन में सिक्स मंथ का और ये ऑफर केवल पंद्रह नवंबर तक है यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ अल्टीमेट बैच कोर्स भी आ रहा है यदि आप चाहे तो हमारे बैच से भी जुड़ सकते हैं इस महीने हमारा सी सेट इस महीने हमारा सी सेट जीएस पेपर तीन इकोनॉमिक्स और पीएसआईआर ऑप्शनल तीन कोर्स आने वाले हैं तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ सी सेट का कोर्स ये लाया जा रहा है हमारे द्वारा साथ ही साथ चैम्पियनशिप आ रही जिसमें आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं जीरो परसेंट इंटरेस्ट के साथ ई एम आई का ऑप्शन है टेस्ट सीरीज सत्तावन प्रश्नों का दावा है जिनमें सेवेंटी नाइन में से सत्तावन क्वेश्चन इस बार टेस्ट सीरीज से थे यदि आपको लगता है कि आपका इस बार मेंस निकलने वाला है तो आप जुड़ सकते हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के साथ कल जो मार्फोलॉजी की लाइव क्लास आपको मिलेगी एग्जाम रस पर ये क्लास दिल्ली में मुखर्जी नगर वाला जो सेंटर है हमारा वहां से सीधी लाइव होगी आप चाहे तो पूरी तरह से सेंटर ऑफलाइन सेंटर में आकर भी मुखर्जी नगर में आना होगा आपको हमारा ऑफिस मिल जाएगा वहां से भी आप क्लास को कर सकते हैं इकोलॉजी एन्वायरमेंट में अभी आगे बढ़ने से पहले मतलब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक जनरल आइडिया मैं आपको बता देता हूं तो क्या है इकोलॉजी इनवायरमेंट कितना इंपॉर्टेंस है तो यूपीएससी के इतने डाइवर्सिफाइड सिलेबस में यदि कोई ऐसा सब्जेक्ट चुनने के लिए कहा जाए कि सबसे छोटा लेकिन सबसे ज्यादा सवाल देने की ताकत रखता हो तो वो इकोलॉजी इन्वायरमेंट है इस सब्जेक्ट के दो पहलू हैं इसका स्टैटिक पोर्शन है और इसका डायनामिक पोर्शन है डायनामिक करंट अफेयर पर बेस्ड है और स्टैटिक इसके सिलेबस पर बेस्ड है मैक्सिमम सवाल ऐसे होते हैं जिसमें इन दोनों का मिक्सअप पूछा जाता है तो स्टूडेंट ना तो पूरी तरह से उत्तर दे सकता है केवल करंट अफेयर के माध्यम से और ना ही पूरी तरह से केवल सिलेबस के माध्यम से बल्कि उन दोनों का मिक्सअप उसे सही उत्तर तक ले जाने में मदद करेगा प्रीलिम्स में यह कितने प्रश्नों को देगा सौ में से तो औसतन पंद्रह से अठारह प्रश्न पर यूपीएससी तो भाई यूपीएससी है कोई दावा करना मूर्खता होगी न्यूनतम दस से लेकर अधिकतम पैतीस प्रश्न भी आए हैं तो इतना महत्व है इसका क्या मेंस में भी इसके सवाल आते हैं जी महोदय है। मेंस का जनरल स्टडी का तीसरा पेपर जिसमें एक सवाल दस नंबर का और एक सवाल पंद्रह नंबर का लिखने के लिए आता है मतलब पच्चीस मार्क्स का यह पेपर है इस आ, मतलब पूरे इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए सोर्स क्या क्या होंगे तो वैसे तो बहुत सारे सोर्स हैं मेरे हिसाब से आपको मैं जो लिमिटेड रिसोर्स बता रहा हूं पर्याप्त है पहले तो आप क्लास प्रॉपर कवर करना यदि आपको क्लास कवर हो जाती है तो उसके बाद एक किताब है पीएमएफ आईएएस वाले ने अच्छी बनाई है शंकर से ज्यादा बेटर है बाद में अगर नहीं है तो शंकर आई एस के नोट्स ये दोनों का एक प्रॉब्लम है दे अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश मीडियम ये केवल इंग्लिश मीडियम में है तीसरा अगर मैं कहूं तो क्लास ट्वेल्व की बायो बायोलॉजी की अंतिम यूनिट लास्ट यूनिट यह हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी और करंट अफेयर में मुख्य रूप से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट बहुत आता इसमें बहुत जानकारी सफिशियंट होती है यह मैं उन विद्यार्थियों से कहूंगा जिन लोगों का 2024 25 26 है पर यदि आपको मुझ पर भरोसा है तो आप हमारी क्लास क्लास के बाद ज्यादा ज्यादा बाय क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी और करंट अफेयर कर लेना बहुत है जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं यूपीएससी की तैयारी मतलब बहुत ज्यादा रिवाइज करना क्योंकि इस बात से कोई मतलब नहीं पड़ता कि आप कितने वर्षों से पढ़ रहे कितनी किताबें पढ़ ली कितनी बार करंट अफेयर पढ़ लिया कितनी न्यूज पेपर पढ़ते हैं या कितने मास्टरों से पढ़ रहे हैं पर इस बात से महत्व तो पड़ता है खोपड़ी में कितना है भेजे में कितना है अगर भेजे में कुछ नहीं है तो पहले भी मूर्ख थे और बाद में भी मूर्ख रहोगे पर आपने कम पढ़ा लेकिन 90 परसेंट भेजे में भर दिया तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकने वाला है लोग कुछ भी कहें जैसे कुछ विद्यार्थी मुझसे कहते सर मैं प्रतिदिन करंट अफेयर पढ़ता हूं भेजे में कितना है अगर वो नहीं है तो तुम पढ़ रहे हो और मजा ले रहे हो जिंदगी का आनंद प्राप्त कर रहे हो तुम तैयारी व्यारी नहीं कर रहे हो तुम भले ही तुम्हें लगता हो कि तुम पढ़ रहे होंगे मूर्खता कर रहे हो तो क्योंकि यूपीएससी तुम्हारे सामने सौ सवाल रखने वाली है तुमसे पूछने वाली बताओ इसके उत्तर क्या होंगे अगर तुम्हें उत्तर नहीं आता तो डिक्लेयर कर देगी कि तुम अनसक्सेसफुल हो तुम्हारी कोई औकात नहीं है तुम अगली मेन्स के एग्जाम में नहीं आ सकते हो और अगर तुम्हें दिमाग में चीजें हैं तो तुम्हें कहेगी कि आओ तुम्हें मेंस की परीक्षा देनी है तुम्हारा ज्ञान जांचेंगे फिर तुम्हें साक्षात्कार के लिए बुलाकर तुम्हारा अंतिम चयन करेंगे खेल केवल इस बात का है कि उन दो घंटे में सौ सवालों में अधिक आंसर कौन निकाल सकता है और अधिक आंसर वो निकाल सकता है जिसकी खोपड़ी जिसका भेजा भरा पड़ा है भेजा उसका भरा पड़ा होगा जो बार बार रिवाइज कर रहा होगा चीजें याद कर रहा होगा बाकी तो कहानियां हैं, लोग कहेंगे कि मैंने लक्ष्मीकांत को डीडी बसु को पॉलिटी में न जाने क्या क्या पढ़ लिया था मैंने इकोलॉजी इन्वायरमेंट में न जाने क्या क्या पढ़ लिया था मेरा नहीं हुआ उसका कारण था कई सारा मधुकर सर भी उसके कारण थे वो कह सकते हैं लेकिन सच्चाईया तो बस इतनी सी है कि यूपीएससी की तैयारी में महत्वपूर्ण रिवीजन है अगर रिवीजन नहीं है तो तैयारी आपकी पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है हसमुख हस एक लाल है दिया वो कह रहा है कि तो क्या सिलेबस को साइड में रखकर रिवीजन करें? ये तो तुमने बहुत भयानक परिणाम निकाल लिया मेरे बातों का मतलब तुमने पूरी तरह से प्लानिंग रख है मुझे बदनाम करने और आर यू सीरियस करने की जिन लोगों का सिलेबस नहीं हुआ है वो तो अभी सिलेबस पर फोकस करे जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी प्रॉपर समझाया था और मैंने कहा था कि रिवीजन की जल्दबाजी मत करना लेकिन मैं अभी जो आपको रिवीजन के बारे में इतना दबावपूर्ण तरीके से बोल रहा हूं मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फैलने की कोशिश मत करो समेटने की कोशिश करो क्योंकि आप कितना समेट सके रिजल्ट उससे आएगा बट मेरे महान लाल मेरा मकसद इस बात से नहीं है कि आप सिलेबस को साइड में रखो और रिवाइज करो बगैर सिलेबस के रिवीजन करने वाला तो गधा है जो कि पहले भी था आज भी रहेगा पहले सिलेबस अपनी कमजोर सब्जेक्ट को पूरा करोगे ना तो खतरनाक है ये विचार फिर भी ऐसा कोई मन में विचार है तो मैं दूर कर देता हूं सिलेबस के बगैर पूरा हुए कुछ ना करो अब डाउट किसी और दिन लेंगे पर मेरे हिसाब से मैं चाहूंगा कि आप लोग आज की कक्षा का आनंद ले और कंसेप्ट को समझते चले ठीक कि फिर बाद में मैं चर्चा करूंगा कि सीसेट बहुत कठिन है मैं जानता हूं कि सब कुछ बहुत कठिन है मुझे तो कई बार लगता है कि कठिन शब्द भी बहुत कठिन है <laughs> देखना देखो आप लोग कहां डरते हो मतलब थोड़ा टाइम ले रहा हूं मैं फिर सिलेबस पर आ जाता हूं कुछ मेरा लाल कह रहा है सिलेबस बहुत मतलब सीसेट बहुत कठिन है एक लाल कह रहा है सर निबंध कैसे लिखते हैं एक लाल कह रहा है सर आंसर राइटिंग कैसे करूं एक लाल कह रहा है कि सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है एक लाल कह रहा है कि सर आपने जो कवर करवाया है क्या उससे सब कवर हो जाएगा ये वो सारे सवाल है जिनका केवल एक जवाब है और वो है ईमानदारी से पढ़ाई <laughs> उसका कारण है क्योंकि जिसे कहते हैं नाचना है आंगन तेड़ा, कि भाई जिनको पढ़ाई कम करनी है वो फिर आते हैं इधर उधर से सवालों को लेकर जैसे एक लाल नहीं आया ताज जो कहे कि महोदय आपने कितने इंटरव्यू दिए भाई मैंने तो अगर ना भी दिया हो तो मैं पिछले ग्यारह बारह वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और मुफ्त में पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर फिलहाल में मुद्राएं लेकर भी पढ़ाता हूँ आपका स्वागत है दोनों में ही और यदि आप नहीं चाहते तो आपका मतलब हम कहेंगे कि सम्मान के साथ विदाई भी है वो आप इस जीवन पर आते हैं समय को न बर्बाद करते हुए क्योंकि सिलेबस थोड़ा बड़ा है आज हम शुरुआत करने से पहले सिलेबस एक नजर आपको बता दे कि देखो इसमें मोटे तौर पर टॉपिक बहुत कम है और इसीलिए मैं कहता हूं कि सिलेबस इसका कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है पहला तो इसका टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम जिसको परितंत्र भी कह सकते हैं दूसरा टॉपिक है इसमें बायोडायवर्सिटी तीसरा जैव विविधता जिसे आज हम पढ़ेंगे तीसरा इसमें टॉपिक है पॉल्यूशन प्रदूषण चौथा इसमें टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड ओजोन डिप्लेशन जलवायु परिवर्तन और ओजोन छरण पांचवा इसमें टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन अगला टॉपिक है इसमें रिसोर्स संसाधन अगला टॉपिक है इसमें कानून और भारतीय संविधान क्योंकि क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में अंतिम टॉपिक है मिसलेनियस विविध जिसमें कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं और फिर करंट अफेयर इस सिलेबस को कवर करने के लिए एक विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा 45 घंटे देना चाहिए एक शिक्षक ने भी 40-45 घंटे से ज्यादा समय इस विषय को न देना चाहिए कारण है कि देखो पढ़ाने के लिए तो 150 घंटे भी पढ़ा दू मैं पर क्या करोगे 150 घंटे पढ़कर जब उससे 15 से 18 सवाल आने वाले क्या करोगे उन पंद्रह में से चौदह के उत्तर देने की आदत डाल के पंद्रह में से बारह निकल गए ना आगे बढ़ो दूसरे भी ऑप्शनल है दूस, दूसरे भी सब्जेक्ट है दूसरी भी चीजें हैं ये किसी एक चीज के प्रति प्रेम व्यक्त करने का मतलब मूर्खता करना है जैसे आज मेरा एक कोई लाल मुझसे कह रहा था कि किसी मास्टर ने अस्सी घंटे में कवर कराया हो सकता है भाई अस्सी घंटे में कवर कराए मैं डेढ़ में कवर करा दू तो क्या इसका मतलब कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट में तुम पीएचडी करने आए हो तुम चाहते हो कि नहीं सर मुझे ज्ञाता ज्ञाता बनना है, तो भी बनने के लिए फिर तैयारी मत करो केवल ज्ञान अर्जित करो फिर डेढ़ सौ घंटे का आनंद आएगा पैतालीस घंटे की कक्षा और पैतालीस घंटे सेल्फ स्टडी जिसमें रिवीजन किताब सब आ गया नब्बे और दस घंटे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है सौ घंटे से ज्यादा इसे देना मतलब इसमें सब आ गया रिवीजन किताब मास्टर की क्लास सब कुछ आ गया सब कुछ इससे ज्यादा इसको देना मतलब मेरे हिसाब से तो भाई पूरी तरह से मूर्खता है बहुत पर्याप्त है सौ घंटे की सब्जेक्ट की औकात है तैयारी यदि आप ईमानदारी से कर रहे हैं बाकी टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीजें आ सकती हैं आइए आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं पहला टॉपिक है बायोडायवर्सिटी जैव विविधता बायोडायवर्सिटी इकलाल कह रहा है कि जियो मार्फोलॉजी का थर्ड पार्ट कब आएगा मार्केटिंग तो कर रहा हूं मैं खुद ही की कल आने वाला है साढ़े नौ बजे अब वापिस थोड़ा सा मैं चाहूंगा कमेंट्स को ना देखते हुए इस पर गौर करिए बिल्कुल पहली रैंक लाइए मैं आपको बता देता हूं मतलब आप इसको नोट करके रख लीजिए मैं अपना व्यक्तिगत बता दे रहा हूं व्यक्तिगत वैसे कोई कुछ भी कहे यदि मेरा कोई विद्यार्थी पहली रैंक लाता है हिंदी माध्यम में तो उसी समय हमारी तरफ से पांच लाख रुपए का इनाम जी हाँ मैं बिल्कुल लाइव क्लास में कह रहा हूं वो कमाई करेगा वो अपनी अलग जगह बट यदि कोई हमारा विद्यार्थी मेरा विद्यार्थी पहली रैंक लाता है हिंदी माध्यम में तो ये ऑनलाइन बिल्कुल रिकॉर्ड करके रख लो तुम कहीं क्लिप काट के रख दो ये मेरा व्यक्तिगत इसमें का कोई लेना देना नहीं है ये मेरा व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार है देख लो तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है तुम्हें फर्स्ट रैंक का वो जो मिलेगा नाम इतिहास वो सब है पैसा भी है अब देखते हैं कितने लोग हैं जो ताकत लगाने की हिम्मत रखते हैं मैंने तो हिम्मत दिखा दी भाई अब बाद में आपकी देख लेते हैं कितनी हिम्मत है लाल कह रहा है कि मुझे पता है कि नहीं आ सकती नहीं मुझे गारंटी है कि आएगी मैं अभी भरोसे के साथ कह रहा हूं मुझे ये पूरी गारंटी है कि हिंदी में फर्स्ट रैंक आएगी थोड़े टाइम के बाद इस साल ना सही अगले साल अगले नहीं सही तो अगले लेकिन आएगी जरूर इसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल तो हम तो आज भी तैयार हैं बिल्कुल एक लाल कह रहा है कि सर पैसा तैयार रखिए, पैसा तैयार तुम क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे लाल मैं आज भी डिक्लेयर कर देता हूं डायरेक्टली तुम बस इस चीज को करके दिखाओ बाकी तो सब कुछ मैं देख लूंगा आप ही सब मुद्दे पर आते हैं और थोड़ा पढ़ाई करते हैं देखो पहले तो हमें समझना है बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी परिभाषा डेफिनेशन क्या है फिर हम पढ़ेंगे कि जैव विविधता के बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का मापन बायोडाइवर्सिटी का मेजरमेंट बायोडाइव बायोलैंग्वेल कहूंगा मैं हिंदी में लिख रहा हूं अंग्रेजी में बोलते चलूंगा बायोडाइवर्सिटी लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय जैव विविधता के स्तर फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस या बेनिफिट फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के लाभ फिर जैव विविधता की हानि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फिर जैव विविधता का संरक्षण बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फिर हॉट स्पॉट एंड हॉप स्पॉट हॉट स्पॉट एंड हॉप स्पॉट फिर हम पढ़ेंगे रेड डाटा बुक लाल किताब फिर इंटरनेशनल इंटरनेशनल एफर्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी फिर नेशनल एफर्ट राष्ट्रीय प्रयास करंट अफेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुल मिलाकर कहे तो बायोडाइवर्सिटी में हमें इतनी चीजें कवर करनी है सबकी क्लासेज अब मैं मैराथन कक्षाओं का दौर शुरू करूँगा उसका कोई स्ट्रेस मत लो अब आते हैं चीज़ों को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हम लोग तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से बायोडायवर्सिटी का ये सिलेबस हम कवर करेंगे या बायोडायवर्सिटी के सिलेबस में हमें किन किन पॉइंट्स को कवर करना है ये मैंने आपके सामने अब सारे डायमेंशन रख दिए हैं आप देख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में कुल हम सिलेबस इन बारह पॉइंट्स में कवर करेंगे इन बारह बिंदुओं में कवर करेंगे तो एक एक को तेजी से कवर करते चलते हैं सबसे पहला है बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा इसके नाम में ही छिपा हुआ है बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा से पहले नाम जाने की बायोडाइवर्सिटी ये वर्ड नॉर्मन मैं कहूंगा कि रोजन वॉल्टन रोजन वॉल्टन साहब ने दिया था बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है जीवो के विविध रूप जीवों के विविध रूप डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म और जीवों का मतलब जंतु और पादप जंतु एवं पादप अलग अलग प्रकार के जंतु अलग अलग प्रकार के पौधों को पौधों की प्रजातियों को मिलाकर जो भी चीज आपको दिख रहे उसे कहते हैं जैव विविधता जैसे भारत में अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं अलग अलग वेशभूषा वाले अलग अलग संस्कृति वाले लोग हैं अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये भारत की मानवीय या सांस्कृतिक विविधता है धार्मिक विविधता है भाषाई विविधता है वैसे ही इकोलॉजी इन्वायरमेंट में कितने अलग अलग प्रकार के जीव है कितने अलग अलग प्रकार के जंतु हैं पादप है उसको हम कहते हैं जैव विविधता वॉल्टर रोजन साहब ने इस शब्द को दिया था उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वर्ड भी आया जीव जैविक विविधता भी आया वो भी शब्द इसके समानार्थी है उससे कोई दिक्कत उसमें नहीं है पर जैव विविधता में हम जो बातचीत कर रहे जंतु और पादप तो जंतु समुदाय और पादप समुदाय ये समुदाय क्या है ये शब्द समझना पड़ेगा थोड़ा सा तो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हुए आप लोगों को पता होगा कि इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसे मिलकर बना एटम परमाणुओं से मिलकर बने अनु मॉलिक्यूल्स, अनुओं से मिलकर बने कंपाउंड यौगिक यौगिकों से मिलकर बना मिश्रण मिक्सर मिश्रणों के मिलने से हम कहेंगे कि यहां पर कहीं ना कहीं कोशिका जैसी संरचनाएं बनी और कोशिकाओं के मिलने से बनता है उतक उतक के मिलने से बनते हैं अंग सेल टिश्यू ऑर्गन अंग से मिलकर बनता है शरीर शरीर से मिलकर बनता है एक जीव जीवों से मिलकर बनती है जनसंख्या जनसंख्याओं से मिलकर बनते हैं कम्युनिटी समुदाय के साथ यदि पर्यावरण को जोड़ दिया जाए तो बनता है परितंत्र परितंत्रों को जोड़ दिया जाए तो बनता है बायो बायोम को जोड़ दिया जाए तो बनता है बायोस्पियर जेवमंडल मंडल जेव जिस जगह मिलते हैं उन्हें ग्रह या उपग्रह कहते हैं उनके जुड़ने से बनता है सौरमंडल सौर मंडल के जुड़ने से बनती है आकाश गंगाए और आकाश गंगा के जुड़ने से बनता है ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के जुड़ने से यूनिवर्स के जुड़ने से बनता है मल्टीवर्स परी ब्रह्मांड या मल्टीवर्स का मतलब होता है एक तरीके से ब्रह्मांडों का भी समूह अब मैं इतना दूर आपको लेकर आया थोड़ी सी हवाबाजी भी करने का मकसद था मेरा ये जो स्टडी है ये केमिस्ट्री कहलाता है ये जो स्टडी है ये बायोलॉजी कहलाता है ये जो स्टडी है यह इकोलॉजी इन्वायरमेंट कहलाता है या इकोलॉजी कहलाता है और यह कहलाता है कॉस्मोलॉजी हम इस विषय पर हैं, जहां एक जीव एक जीव के जैसे ही जब बहुत सारे जीव हो जाते हैं तो उसको कहते जनसंख्या एक चूहे के सौ चूहे तो उसे जनसंख्या फिर जनसंख्याओं का समूह चूहों की जनसंख्या गधों की जनसंख्या पौधों की जनसंख्या मान लीजिए कि आदमियों की जनसंख्या कुत्तों की जनसंख्या इनका समूह समुदाय कम्युनिटी कहलाता है कम्युनिटी दो प्रकार की होती है पादप और जंतु कम्युनिटी पादप और जंतु कम्युनिटी में पादप समुदाय को कहा जाता है फ्योना आ, फ्लोरा और जंतु समुदाय को कहा जाता है फ्योना समुदायों का पर्यावरण के साथ जोड़ कर दीजिए समुदाय और पर्यावरण तो उसको कहते हैं इकोसिस्टम परितंत्र इकोसिस्टम का समूह देख लीजिए तो उसको कहते हैं जीवों बायोम और बायोम का समूह कहलाता है जैवमंडल जैवमंडल अब ध्यान से देखना हमें यह स्टडी करनी है पूरे विषय में लेकिन आज हम बायोडायवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को बायोडायवर्सिटी कहते हैं जीवों की जातियों की जिनों की परितंत्र की ये समझेंगे अभी हम तो परिभाषा में समझ में आ गई कि बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं बायोडायवर्सिटी के लेवल जैव विविधता के स्तर अब हम बातचीत करने जा रहे हैं जैव विविधता के स्तर बायोडायवर्सिटी के लेवल ये बायोडायवर्सिटी के प्रकार नहीं है कुछ गण कुछ गंदी किताबों ने कुछ मास्टरों ने इसको प्रकार कह दिया है लेकिन ये प्रकार नहीं है लेवल है लेवल इसलिए क्योंकि अलग अलग स्तर पर विविधता को मापते हैं जो बहुत ही न्यूनतम स्तर पर विविधता को मापता है वो पहला लेवल है जिसको कहेंगे अनुवांशकीय जैव विविधता जेनेटिकल बाय इसे कहेंगे प्रजातीय जैव विविधता जो दूसरे लेवल की है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी तीसरा परितंत्रीय जैव विविधता इसे कहते हैं या तो बायोम वाली बायोडाइवर्सिटी कम्यूनिटी डायवर्सिटी, सामुदायिक जैव विविधता भी इसे कहा जाता है तो बायोडाइवर्सिटी का सबसे छोटा लेवल दूसरा लेवल और तीसरा लेवल बायोडाइवर्सिटी के लेवल तीन है बायोडाइवर्सिटी में पहला जेनेटिकल लेवल दूसरा स्पीशीज लेवल और तीसरा कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था ये बायो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बट बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड दिया है वॉल्टर जी रोजेन ने दिया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन महोदय ने दिया है वापिस आ रहे मुद्दे पर पहले तो बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा देखी हमने अब हम देख रहे बायोडाइवर्सिटी के लेवल फिर देख लेंगे मेजर में तो लेवल में बायोडाइवर्सिटी का पहला लेवल होता है अनुवांशकीय जैव विविधता अनुवांशकीय जैव विविधता का मतलब होता है एक प्रजाति की एक प्रजाति की उपजातिया उसकी अनुवांशकीय जैव विविधता को दर्शाती है मतलब एक प्रजाति में कितनी उपजाति है थोड़ा प्रैक्टिकल समझते जैसे आपने कुत्तों को देखा होगा तो कुत्ते भी कई प्रकार के हैं उनके कई वेराइटीज है जैसे में भी कई प्रकार की तितलियां हैं कई प्रकार की तितलियां मतलब वो उनकी अनुवांशिक विविधता है उनके अंदर थोड़े थोड़ा जिन अलग हो गए हैं जेनेटिक मटेरियल थोड़े थोड़े अलग हो गए तो जब एक ही प्रजाति के अंदर की विविधता की बात करते तो उसको अनुवांशिक जैव विविधता मनुष्य में कई प्रकार के मनुष्य है निग्रॉइड है ऑस्ट्रेलॉइड है द्रविडियन है तो ये ये जो मनुष्य की अलग अलग उपजातियां हैं इसको अनुवांशिक जैव विविधता कहेंगे कि एक ही जाति के अंदर भी कितने लोग हैं आपने देखा होगा कि जो घास होती है वो भी घास कई प्रकार की होती है, तो उसको कहते है जिनेटिकल बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा के जैव विविधता होती है माना जाता है कि उस प्रजाति में उतना अनुकूलन आ गया है जितनी ज्यादा जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी होती है उसका इस पृथ्वी पर जीवित रहने की संभावना उतनी ज्यादा होती है क्योंकि उतने अलग अलग परिस्थितियों में जीवित रहना जानता है जितना जेनेटिकल बायोडायवर्सिटी उतना ही उसके अस्तित्व के बने रहने की पॉसिबिलिटी तो तेजी से कमेंट करना क्या पहला लेवल बायोडायवर्सिटी का समझ में आया है अनुवांशिक बायोडायवर्सिटी जैसे ये उदाहरण ये चित्र देख लीजिए एक ही प्रजाति है कुत्तों की उनमें मिलने वाली अलग अलग प्रकार की उपजातियां अब आते हैं वापस दूसरे लेवल पर जिसे हम कहते हैं स्पीशीज बायोडायवर्सिटी प्रजातीय जैव विविधता प्रजातीय जैव विविधता का मतलब होता है कि किसी परितंत्र में पारिस्थिति इकोसिस्टम में कितने विभिन्न प्रकार के जंतु या पौधे हैं प्रजाति की बात कर रहा हूं मैं प्रजाति कितने प्रकार के कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा बंदर मनुष्य बाघ ये सब प्रजातियां हैं। तो इसको कहेंगे प्रजातीय जैव विविधता प्रजातीय जैव विविधता का मतलब होता है किसी पारिस्थिति की तंत्र में मिलने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पादप इन सब के अलग अलग जातियों को अलग अलग स्पीशीज की काउंट कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि वहां प्रजातीय जैव विविधता कितनी है जैसे किसी ने कहा कि भारत के जंगलों में भारत के वनों में 1200 प्रकार के पक्षी मिलते हैं तो मतलब पक्षियों की इतनी प्रजातियां मिलती है 1200 सो प्रजातियां तो ये प्रजातीय जैव विविधता अब आप में से कई लोगों के दिमाग में आता होगा कि सर ये स्पीशीज किसे कहते हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनना बायोलॉजी में पहले प्रजाति शब्द का मतलब समझते हैं बायोलॉजी में प्रजाति का मतलब होता है दो जीव एक ही प्रजाति के माने जाते हैं एक ही प्रजाति के माने जाते हैं यदि यदि वे आपस में लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं तथा उनसे जनन सम्य संतति पैदा होती है

फर्टाइल जिन्हें फर्टाइल अच्छा वर्ड कहेंगे कि वे फर्टाइल होंगे। अब जरा इसको दुरा ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा भाई कोई भी, कोई भी भी दो कुत्ते अलग अलग ही उपजातियां क्यों ना हो तब भी उनमें लैंगिक संबंध होकर एक नए कुत्ते का निर्माण हो सकता है पर उसमें से अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर अगर गधा और घोड़ा इनके बीच में लैंगिक संबंध हो तो उससे खच्चर बनता है फिर तो लैंगिक संबंध हो रहे तो मैं कहूंगा कि लैंगिक संबंध भले ही हो रहे हैं तो हो रहे है। लेकिन ये दो अलग अलग जातियां हैं। क्यों अब ऐसा क्यों क्योंकि आगे शर्त भी तो है जनन शम्य संतति यह फर्टाइल नहीं होते अजन शम्य होते हैं इनसे अगली पीढ़ी नहीं बन पाती अगर इनसे अगली पीढ़ी बन जाती तो ये दोनों अलग जातियां नहीं एक ही जाति के कहलाते फिर अब खच्चर में भी याद रखना खच्चर गधे का बच्चा है मतलब उसमें मेल नर गधा होता है और फीमेल घोड़ा मतलब घोड़ी होती है तब जाकर खच्चर बनता है पर खच्चर अगली पीढ़ी नहीं बना सकता थोड़ा सा बौना होता है क्यों करते होंगे ऐसा मनुष्य क्योंकि उन्हें एक ऐसा जीव चाहिए जिसके अंदर दोनों लक्षण चाहते हैं देखो घोड़ा लंबी दूरी तय कर सकता है लेकिन बहुत एटीट्यूड वाला एनिमल है अगर मूड नहीं है ना तो लाख कोशिश कर लो आगे नहीं बढ़ेगा गधा बहुत मेहनती और आदेशों का पालन करने वाला है लेकिन लंबी दूरी तय नहीं कर सकता हमें तो ऐसा जीव चाहिए जिसमें दोनों लक्षण हो तो हमने खच्चर बना दिया खच्चर की हाइट गधे से कम घोड़े से ज्यादा घोड़े से कम गधे से ज्यादा होती है दोनों के कैरेक्टर होते हैं पर अगली पीढ़ी नहीं बना सकता यदि उल्टा कर दिया आपने फीमेल गधा है मतलब गधी है और घोड़ा है मेल है हॉर्स तो उनसे जो बनता है वो खच्चर नहीं हिन्नी कहलाती है और हिन्नी ज्यादा बौनी होती है वैष्णो देवी अगर आप जाएंगे तो आपको खच्चर भी मिलेंगे कुछ जगह पर हिन्नी का अभी भी यूज किया जाता है और ऐसे कई उदाहरण है पर ये अलग अलग प्रजाति के माने जाएंगे क्यों क्योंकि इनसे बनने वाली जो भी ऑस्प्रिंग है संतति और जनन शम में नहीं है टाइगर और लॉयन इनके इनसे बनता है लाइगर इनसे बनता है लाइगर पर क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं कि ये दोनों फिर भी अलग अलग प्रजातियां क्यों हैं थोड़ा कमेंट्स करना मैं देखू कितने लोग मेरी बात सही तरीके समझ पा रहे हैं कि ये दोनों में लैंगिक प्रजनन हो रहा है सेक्चुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और उनसे संतति बन रही है लेकिन मैं फिर भी उन्हें कह रहा हूं कि एक प्रजाति के जो जीव नहीं माने जाएंगे बल्कि दो प्रजाति के तो क्यों फिर वापिस हम आते प्रजातीय जैव विविधता का मतलब ऐसी कितने प्रकार के जीव जंतु हैं कितनी प्रजातियां है, जहां कहीं पर जितनी प्रकार की प्रजातियां होती हैं, हम उसी को कहते हैं कि वह प्रजातीय जैव विविधता है बहुत बढ़िया शिवम क्योंकि वह अगली पीढ़ी नहीं बना सकते क्योंकि उनके ऑस्प्रिंग प्रजनन नहीं करते बहुत बढ़िया कुछ लोग सही उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं क्योंकि इन दोनों से बनने वाले जो बच्चे हैं वो जनन क्षम्य नहीं हैं बढ़िया वापिस आगे बढ़ते हैं प्रजातीय जैव विविधता जैव विविधता है प्रजातीय जैव विविधता की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के फ्लोरा और फ्योना सभी को हमें एक साथ प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं जितनी ज्यादा प्रजातीय जैव विविधता होगी उतना ही खाद्य श्रृंखला बहुत जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स होती है और जितनी जटिल खाद्य श्रृंखला होती है उतना ही परितंत्र के स्थायी रहने की संभावना है इसका एक एक फार्मूला भी भी होता है इसे फार्मूले से भी दर्शाते हैं प्रजातीय जैव विविधता बराबर प्रजातीय जैव विविधता का मतलब होता है एक प्रजाति के जीवों की संख्या डिवाइड बाय कुल प्रजाति के जीवों की संख्या यदि इसका मान शून्य के निकट है तो जैव विविधता अधिक मानी जाएगी यदि इसका मान एक के निकट है या एक है तो जैव विविधता शून्य मानी जाएगी इसका मतलब वहां कोई है ही नहीं वहां एक ही जीव है जैसे मान लो कि आप सभी लोग एक कक्षा में बैठे हैं और एक इकोसिस्टम हमने बनाया परितंत्र बनाया पारिस्थिति की तंत्र बनाया तो कुछ भी नहीं है कमरे में मच्छर मक्खी छिपकली चूहे कुछ भी नहीं है सारे मनुष्य ही हैं मान लीजिए हजार लोगों की कक्षाएं हमारी और पूरे प्रजाति में मतलब केवल मनुष्य ही है मतलब कोई विविधता है नहीं फिर वहां जीरो विविधता है तो इसका एक फार्मूला भी होता है प्रजातीय जैव विविधता ये सेकंड लेवल की बायडाइवर्सिटी है तीसरे लेवल की बायोडाइवर्सिटी को कहते हैं इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी या सामुदायिक समुदायिक का मतलब होता है कितने प्रकार के आवास है वहां पर जैसे भारत को ले लो तो रेगिस्तानी आवास भी है मैदानी आवाज भी है वनी आवाज भी है तटीय आवाज भी है पर्वतीय आवाज भी है भाई कई प्रकार के ना लेकिन रशिया को ले लो तो वहां तो दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है तो कहने का मतलब है कि जो बड़े भूभाग होते हैं वहां हम मेजर करते हैं सामुदायिक जैव विविधता को कितने प्रकार के वहां पर रहने योग्य जगह हैं, कितने प्रकार के परितंत्र हैं, मैदान भी है रेगिस्तान भी है घास का मैदान भी है कटीले झाड़ियां भी है कोरल जैसी भी चीजें हैं। तो जब किसी जगह पर कई प्रकार के आवास हो कई प्रकार के परिस्थिति की तंत्र हो तो से कहते हैं कि वहां सामुदायिक या परितंत्री जैव विविधता है जैसे भारत में तो कितने प्रकार के आवास है उसको हम कहते परितंत्री जैव विविधता तो सिलेबस पर वापिस आइए मैंने अभी तक बताया परिभाषा फिर मैंने आपको समझाया जैव विविधता के लेवल पहला छोटा लेवल है एक जाति में कितनी उपजातियां अनुवांशिक जैव विविधता किसी परितंत्र में कितने प्रकार की प्रजातियां प्रजातीय जैव विविधता और किसी बड़े भूभाग में कितने प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्र सामुदायिक या परितंत्रीय जैव विविधता ये आवास को भी दर्शाती है अब सवाल है कि जैव विविधता का मापन कैसे करते हैं जैव विविधता के मापन की मेथड विटेकर महोदय ने दी थी और विटेकर महोदय ने जैव विविधता के मापन को अल्फा बीटा गामा इस तरीके से तीन भागों में बांटा है तो जैव विविधता का मापन कि वहां कितनी प्रजाति और कितनी प्रचुरता है तीन है अल्फा मेथड बीटा मेथड गामा मेथड देखो अल्फा क्या है अल्फा का मतलब है किसी परिस्थिति की तंत्र में गिनकर बता दो कितने प्रकार के जीव जंतु पौधे हैं कितने प्रकार के हैं तो अल्फा का मतलब सिंपल सा है कि वहां लोकल स्थानीय कितने प्रकार के जीव जंतु है कितने प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजाति है अब हो सकता है कुत्ते डेढ़ सौ तो डेढ़ सौ नहीं कहलाएंगे एक ही क्योंकि वो कुत्ते की प्रजाति है वहां मान लो कि हिरन पांच सौ तो पांच सौ नहीं कहेंगे हम कहेंगे हिरन एक प्रजाति है तो कितने प्रकार के जीवों की प्रजाति है उसको अल्फा कहते हैं सिंपल सा बीटा एक पारिस्थिति की तंत्र से दूसरे पारिस्थिति की तंत्र में जाने पर जैव विविधता में क्या परिवर्तन आया उस परिवर्तन को बीटा जैव विविधता कहते हैं वेनेवर वी गो फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनादर दैट टाइम्स चेंजेस इन कॉल्ड बीटा बायोडाइवर्सिटी बीटा जैव विविधता का मतलब सिंपल सा है कि एक पारिस्थिति की की तंत्र तंत्र से दूसरे पारिस्थिति में जाने पर जैव विविधता में कितना परिवर्तन आ रहा है फिर गामा क्या है गामा कुछ भी नहीं अल्फा और बीटा दोनों का जोड़ है जो एक तरीके से सामुदायिक जैव विविधता को दर्शाती है अल्फा जैव विविधता के मापन की मेथड विटेकर ने दी थी उन्नीस में किसी परितंत्र में प्रजाति की कुल कितनी संख्या है एक परितंत्र से प्रजाति के विस्थापन मतलब एक परितंत्र से दूसरे परितंत्र में जाने पर कितनी नई प्रजाति आ गई इसका मैं समझा दू एक उदाहरण देकर मान लीजिए कि एक इकोसिस्टम एक है जहाँ ए बी सी डी ई प्रकार के जीव है दूसरा इकोसिस्टम है जहां डी ई एफ जी एच प्रकार के जीव है तो हम कहेंगे कि महोदय जब आप एक से दूसरे इकोसिस्टम में गए तो आपको तीन प्रजातियां नहीं नहीं मिली और दो प्रजातियां तो वैसी थी तो हम कहेंगे कि यहाँ की बीटा बाय बायोडाइवर्सिटी तीन है यहाँ की अल्फा बाय बायोडाइवर्सिटी पांच है यहाँ की अल्फा बाय बायोडाइवर्सिटी भी पांच है लेकिन बीटा बायोडाइवर्सिटी मतलब तीन नई प्रजातियां हैं गामा का मतलब होगा तीन प्लस मतलब आठ परिवर्तन के साथ लोकल प्रजातियां टोटल तो हम कहेंगे कि गामा बायोडाइवर्सिटी किसी भौगोलिक प्रजाति में आवासों की पूरी विविधता सामुदायिक विविधता को गामा कहते हैं फिर एक शब्द आता है जैव विविधता की प्रवनता स्लोप ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखो स्लोप का मतलब क्या है क्या पूरी पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी है नहीं किसी पर्वत में जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी आने के साथ साथ वातावरण कठोर होता है वायु की मात्रा में कमी आती है और जीवन की अनुकूल दशाएँ कम होती है इसलिए जैव विविधता नीचे से ऊपर जाने पर कम होती है कुछ वैसा ही घटनाक्रम विश्वत रेखा से ध्रुवों की ओर भी होता है तो जब भी हम पृथ्वी पर विश्वत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जैव विविधता में कमी आती है जैव विविधता में बायोडाइवर्सिटी में लॉस होता है कमी आती है या किसी पहाड़ में नीचे से ऊपर जाते हैं तो जैव विविधता कम होती है इसी कमी को स्लोप नाम दिया गया है जैव विविधता की प्रवणता ग्रेडियंट या स्लोप नाम दिया गया है कि यह जैव विविधता की प्रवणता है स्लोप है यह कहीं पर भी अब सवाल यह है पहला हमारा टॉपिक था परिभाषा दूसरा टॉपिक था इसके बायोडाइवर्सिटी के लेवल तीसरा टॉपिक था मेजरमेंट चौथा था ग्रेडियंट ग्रेडियंट मतलब जैव विविधता में क्या परिवर्तन होगा यदि विश्ववत रेखा से ध्रुव की ओर गए या किसी पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से शीर्ष की ओर गए अब सवाल यह है कि सर ये इतना जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है क्या इंपॉर्टेंस है जैव विविधता का क्या महत्व है तो मैं आपसे कहना यह चाहूंगा बस इतना सा ही कि जैव विविधता का क्या महत्व नहीं है आप अपने आसपास देखो जैसे मेरे पास ये लकड़ी का टेबल है तो ये जो टेबल है ये लकड़ी से बना मतलब पौधे से बना मतलब जीव से बना मतलब जैव विविधता का एक रोल आ गया मैंने जो स्वेटर पहना है वो भी कॉटन का है मान लीजिए तो वह भी एक पौधे से मिला है मुझे मैंने खाना खाया तो वह भी एक पौधे का ही हिस्सा था हम जैव विविधता के लाभों से घिरे हुए हैं पर हम कभी ध्यान नहीं देते जैसे मिट्टी का निर्माण मैं आपको सिस्टम ढंग से लिखते चलते सबसे पहले तो हमारे जीवन में या हमारे पृथ्वी पर भोजन वो कोई शाकाहारी हो या मांसाहारी हो वो किसी जीव से ही प्राप्त करता है कोई प्लास्टिक नहीं खाता कोई कागज नोट नहीं खाता है कोई आ, सिंथेटिक फूड नहीं खाता है सब कुछ आज भी हम कितनी भी वैज्ञानिक तरक्की कर ले, लेकिन अभी भी हमारी निर्भरता जीवों पर है भोजन के लिए पूरी तरह से पूरी तरह से हमारे पास अधिकतर दवाइयां आज भी कहीं ना कहीं किसी पौधे के एक्सक्रीशन से निकली हुई है किसी जंतु के किसी पौधे के अलग अलग गुणों से हमने दवाइयां बनाई है पुनर्चक्रीकरण, महोदय रिसाइक्लिंग री रीसाइक्लिंग जो भी कोई चीज होती है जो कि प्रकृति में CO2 टू का चक्र है सल्फर का चक्र है नाइट्रोजन के चक्र है ये सब चक्र कोई मैं आप या वैज्ञानिकों की मशीनें थोड़ी कर रही है प्रकृति में ये सभी तत्वों के चक्रीकरण में अगर कोई काम कर सकता है तो जैव विविधता है किसी वैज्ञानिक में औकात कि वो कह सके कि मैं पृथ्वी के नाइट्रोजन के चक्र को मेरी मशीन से मेंटेन करता हूं बायोडायवर्सिटी से ही तो सारे काम चल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों ने ग्रहण किया फोटोसिंथेसिस सेलुलोज बनाया उसे जीवों ने खाया फिर उनकी मृत्यु हुई फिर उनको जलाया गया फिर सीओ टू रिलीज हुई फिर पौधों ने कैप्चर किया घुमा फिराकर जीव जंतु ही तो आ रहे ना कोई ना कोई तो ये पूरा रिसाइकलिंग करने की ताकत मनुष्य में थोड़ी है अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैव अवघटक पेड़ पौधे जंतु सभी का योगदान है प्रदूषण में कमी हर दिन न जाने करोड़ों लाखों डेड बॉडीज आती है जंतुओं की पक्षियों की पेड़ पौधों की मनुष्यों की सबको डिकम्पोज यही तो करते हैं करोड़ों टन मल प्रतिदिन गिरता है पृथ्वी पर अलग अलग जीवों के द्वारा उसको डिकम्पोज भी तो सूक्ष्म जीव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते वो भी बायोडाइवर्सिटी का ही तो हिस्सा है वो भी तो जैव विविधता है मृदा का निर्माण मृदा के निर्माण में पहले भौतिक प्रक्रम होता है जिसमें बहुत बड़ा पत्थर बहुत बड़ा चट्टान टूटता है फिर रासायनिक प्रक्रम होता है उसमें जल में घुलने और अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से केमिकल चेंज होते हैं लेकिन तीसरा ह्यूमस जब तक किसी मिट्टी में ह्यूमस नहीं मिलेगा तब तक वह मिट्टी उत्पादकता दर्शाती नहीं है और ह्यूमस क्या है पेड़ पौधों की पत्तियों का अवघटित मटेरियल ऑर्गेनिक और, और वो बनाया किसने है? जीवों ने, ने, अब ने। तो मृदा के निर्माण में भी तो हमें हाई कोई मशीन हाई कोई वैज्ञानिक के दावा कर सके कि मैं मिट्टी बना के दिखाता हूं लंबी और दीर्घकालिक प्रक्रिया है जैव विविधता के सहयोग से मिट्टी का संरक्षण पेड़ पौधे जड़ों से बांध कर रखते हैं पानी में आसानी से बहने नहीं देते हैं घास जो होती है वो उसको बांध कर रखती है कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी को बांधने में मदद करते हैं हाई है कोई मशीन जो मिट्टी को बांधने का ताकत रखती हो यह भी तो जैव विविधता की देन है हाँ ठीक है आपने इसका कभी पैसा पे नहीं किया तो आपको लगता है कि यह भी कोई काम है यही बहुत महंगे काम है इनमें से एक काम की भी टेक्नोलॉजी अगर आप बना लोगे तो करोड़ों अरबों रुपए लग जाएंगे जैव विविधता मुफ्त में कर रही तो कद्र नहीं है तो भोजन औषधीय पुनर्चक्रीकरण प्रदूषण में कमी मृदा का निर्माण मृदा का संरक्षण आपदाओं से रक्षा जो तटीय क्षेत्र होता है यदि वहां पर हम मेनग्रुव को लगा ले तो चक्रवातीय तूफानों में हवाओं की गति को कम करने की ताकत इन मेनग्रूव में होती है दलदली वनों में होती है तो जो आपदाएं होती यदि हम पहाड़ पर बड़ी मात्रा में पेड़ पौधों को लगाए तो लैंडस्लाइड कम होने की संभावनाएं होती है आपदाओं में भी तो रक्षा कर रहे हम लोगों की परागन आज तक कोई वैज्ञानिक की मशीन नहीं है जो पॉलिनेशन कर सके सर ये क्या होता है किसी भी फसल में हम मान लीजिए बहुत बढ़िया तरीके से खाद डाले बहुत बढ़िया पानी दे दिया सब कुछ बेहतरीन था लेकिन फसल का बीज तभी बनेगा जब फसल का मेल गैमिट फीमेल गैमिट से मिलेगा उनमें प्रजनन होगा तब जाकर तो बीज बन पाएगा और मेल गैमिट को फीमेल गैमिट तक ले जाने में मधुमक्खियाँ भौरे तितलियां छोटे छोटे कीट पक्षी चमगादड़ तक मदद करते हैं महोदय पक्षी मदद करते हैं चमगादड़ मदद करते हैं एक पक्षी था डोडो नाम का में मिलता था, विलुप्त तो हो गया वह पक्षी वहां के एक पौधे में परागन करता था डोडो क्या विलुप्त तो हुआ वो पेड़ भी विलुप्त तो हो गया परागन का मतलब मेल गैमिट्स को फीमेल गैमिट्स तक पहुंचाना अगर यह भाषा समझ में नहीं आती है तो समाज समाज में दुल्हन के घर जब दुल्हे को ले जाते बारात के रूप में घोड़ी पर बिठाकर वो परागनी तो है तो किसी भी पौधे में किसी भी प्लांट में बीज बनेगा उसके लिए जरूरी है मेल का फीमेल गैमिट से मिलना और मेल को फीमेल गैमिट्स तक ले जाने की काबिलियत इन जीवों में है जंतुओं में है पक्षियों में है चमगादड़ में है।, है कोई मशीन जो कहेगा कि हाँ मैं मेल गैमिट्स को बिठाकर फीमेल गैमिट्स पर फेंक कर आ जाता हूं ये परागन भी तो बायोडाइवर्सिटी कर रही है जैव विविधता कर रही है पर्यावरण का शुद्धिकरण प्यूरिफाई करना पर्यावरण को पर्यटन टूरिज्म का जो आनंद हम ले रहे हैं मनोरम जो दृश्य दिखते हैं जो प्रकृति में सुंदरता दिखती है वो हम लोगों की उपस्थिति के कारण नहीं कभी देखा कि कहीं पर हजारों मनुष्य खड़े हैं और लोग कहते हैं क्या सुंदर दृश्य है कोई सुंदर दृश्य नहीं है वो सुंदर दृश्य तो ये बनाते हैं पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियां वे बनाते हैं मनोरम दृश्य प्राकृतिक सौंदर्य धार्मिक महत्व किसी जगह का इंपॉर्टेंस जो भी बनता है वो उसमें भी कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी का संबंध है तो ये है जैव विविधता के महत्व इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी हम अलग अलग प्रकार के जीव जंतु अलग अलग प्रकार की पादप प्रजातियों को खत्म करते चल रहे हैं इतना इंपॉर्टेंस है इसका अब आते हैं कि इतना महत्व होने के बावजूद भी जैव विविधता खत्म हो रही है जी हां जैव विविधता के खत्म होने के कई कारण है पर इसके दो मुख्य कारण है प्राकृतिक और मानवीय बिल्कुल लेट प्रैक्टिस टू लर्न कर सकते हो इस पर ध्यान दो बेटा प्राकृतिक जी हां प्राकृतिक भी जब महाद्वीपीय विस्थापन हुआ होगा ज्योग्राफी में एक थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिप थ्योरी कि जिसमें एक महाद्वीप पेंजिया था वो टूटा फिर उसमें भी टुकड़े होते चले गए और ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं न जाने कितनी जीवों की प्रजातियां खत्म हो गई उसमें कहीं पर वोल्केनो ज्वालामुखी विस्फोट होता हो और बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोट होता हो तो वहां के आसपास के पेड़ पौधे जीव जंतु खत्म प्राकृतिक रूप से भी एक प्रजाति आती और चली जाती है जैसे डायनासोर आए और चले गए ये प्राकृतिक विलोपन है इसमें मनुष्य का थोड़ी कोई रोल था तो एक प्रजाति का भी एक जीवन काल होता है एक समय के बाद प्रजाति खत्म हो जाती है अपने आप प्राकृतिक कारणों से फिर सूखा बाढ़ जंगल में आग का लगना यदि प्राकृतिक कारणों से लगी है इस पृथ्वी पर पांच बार ध्यान से सुनना पांच बार बहुत बड़ी संख्या में प्रजातियां विलुप्त हुई है पांच बार हम नहीं थे उसमें हम मतलब मनुष्य नहीं थे अब छठवीं बार विलोपन मनुष्य के कारण होगा पर पांच बार विलोपन प्रकृति के कारण हुआ है कोई प्रजाति प्राकृतिक रूप से खत्म हो जाती है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नहीं महाद्वीपीय विस्थापन के कारण बाढ़ और सूखे के कारण सुनामी के कारण भूकंप के कारण उल्का पिंड टकरा गए तो उसके कारण ज्वालामुखी जंगल की आग दावा नल पाय, फॉरेस्ट फायर चक्रवात परागन की कमी हो गई परागन की कमी मतलब मेल गैमिट फीमेल गैमिट से मिलने ही नहीं आया कोई मिलाने ही नहीं लाया जैसे डोडो पक्षी के विलुप्त होने पर पौधा भी गायब हो गया वो पेड़ भी विलुप्त हो गया बीमारियां महामारियां फैल जाती जैसे भी गायों में एक डिजीज फैल गई थी लंपी डिजीज तो जब किसी पौधे पर किसी जंतु पर कोई एक पर्टिकुलर बीमारी फैल जाए और उनकी तेजी से मृत्यु हो तो वो भी उनके विलोपन का कारण बन जाती है ये सब प्राकृतिक कारण है ये सब प्राकृतिक कारण है जिनके कारण ये मर रहे हैं लेकिन वर्तमान में इन प्राकृतिक कारणों से भी बहुत ज्यादा तेजी से समापन हो रहा है मानवीय कारणों से मानव केवल अपने आप को बढ़ाने में लगा हुआ है अपने आप को कुछ ऐसा बढ़ा रहा है कि किसी और को बढ़ने नहीं दे रहा है हम कहते हैं कि प्रकृति की सबसे सुंदरतम भगवान की सबसे सुंदरतम रचना मनुष्य है यह हम अपने आप को केवल गौरवान्वित करने के लिए और अपने ईगोइस्टिक नेचर के कारण कहते हैं किसी ने पूछा कि सच में हम उनकी सबसे महान कृति है या नहीं हमारे आने के बाद कई पक्षियों की प्रजातियां खत्म हो गई हमारे आने के बाद कई जंगली जानवरों की प्रजातियां खत्म हो गई हमारे आने के बाद कई पेड़ पौधों की प्रजातियां खत्म हो गई भगवान के लिए गॉड के लिए नेचर के लिए तो सब बराबर होंगे ना तो जब ये शिकायत लेकर पहुंचते होंगे कि आपका जो सुंदरतम रचना थी वो देखो नीचे क्या कर रही है पृथ्वी पर फैला रही है तबाही न जाने हमारे कितनी प्रजातियों को लेकर खत्म करने की होड़ में मच गया है बस पैसे के पीछे पड़ा हुआ है एग्रीकल्चर के लिए अपने पूरे वनों को काट रहा है सोचो क्या वो सच में खुश होगा मनुष्य के निर्माण करने के बाद जो भी नेचर प्रकृति होगी कितनी शिकायतें पहुंची होगी पिछले दस वर्षों में मनुष्य के द्वारा जानवरों पर डाइक्लोफेनिक नामक एक पीड़क नाशी मतलब एक तरीके से दर्द नाशी दवाई का उपयोग किया जिससे तीन करोड़ गिद्ध मर गए क्या वो तीन करोड़ गिद्ध की आत्माएं नेचर से शिकायत नहीं करती होगी कि हमारे मरने का कारण हम खुद नहीं ये मनुष्य है जिसने ऐसे रसायन बनाए हैं पिछले पचास वर्षों में लगभग 20 प्रतिशत प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी हैं वो कहेंगे नहीं ऊपर नेचर से कि आपकी अद्भुत रचना देखिए क्या कर रही है मानवीय कारणों पर आइए सबसे बड़ा कारण जैव विविधता के हानि में वर्तमान में अगर कोई एक चुनना हो तो आवासीय विखंडन महोदय हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वे जीव जिस जगह पर रहते थे जो उनके लिए एक सही अनुकूल दशाओं वाला वातावरण था वो खत्म हो गया है वे वनों में रहते थे तो वहां खेती की जा रही है वे रेगिस्तान में रहते थे तो वहां कुछ नया काम किया जा रहा है वे स्वच्छ पानी में रहते थे तो वो प्रदूषित कर दिया जा रहा है वे ठंडे जल में रहते थे तो उसको गर्म कर दिया जा रहा है उनके आवास उनके हेबिटेट डिस्ट्रक्ट हो गए उनके आवासों का विखंडन उनके विलोपन का बड़ा कारण है क्योंकि वे अपना सामान्य जीवन चक्र में प्रजनन नहीं कर पा रहे अपनी अगली पीढ़ी नहीं बना पा रहे हैं बहुत बड़ा कारण है वर्तमान में जैव विविधता की हानि का दूसरा मनुष्य की जनसंख्या विस्फोट बाकी जीव बढ़े ना बढ़े मनुष्य की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है महोदय 1850 के आसपास पूरे पृथ्वी पर मनुष्य की आबादी मात्र एक अरब थी एक अरब उन्नीस में हम पांच अरब हो गए पृथ्वी पर पृथ्वी पर आज हमारी आबादी आठ अरब को छूने वाली है हम बढ़ते ही चले जा रहे हैं हमें नहीं पता हम मकान जब बनाते हैं तो नहीं सोचते कि पक्षी बाकी जीव जंतुओं को जगह मिले हम देखते कहीं सांप मिला तो खत्म कर डालो क्योंकि हमारी जगह पर कैसे आ गया खबरें आती हैं कि तेंदुआ मानवीय बस्ती में प्रवेश कर गया अरे उनका न्यूज एंकर होता तो कहता हम तुम्हारे बस्तियों में प्रवेश नहीं किए तुम ऑलरेडी हमारे यहां पर प्रवेश कर चुके हो पिछले पचास साठ वर्षों से और खबर आती है कि तेंदुआ मानव बस्ती में प्रवेश कर गया हम उनके क्षेत्र में अपने मकान बनाते चले जा रहे हैं और फिर आरोप लगा रहे कि वो हमारी बस्ती में आ रहा है दूसरा जनसंख्या विस्फोट तीसरा एग्रीकल्चर के लिए जंगलों को वनों को काटा जा रहा है कंटिन्यूअसली न जाने कितने वन्य जीव कितने पौधों की प्रजातियां खत्म हो गई प्रदूषण डीडीटी जैसे प्रदूषक के कारण न जाने कितनी पक्षियों की प्रजातियां इसका जीवंत उदाहरण अगर बचपन सामान्य गुजरा हो आपका ना गुजरा हो तो अपने मदर फादर से पूछना वो बताएंगे कि उनके आंगन में एक जमाने में सुबह के समय 100-200 सौ गोरैया नॉर्मल बैठा करती थी छोटी छोटी चिड़िया गोरैया आज दिखती नहीं है मैना 20-30 नॉर्मल मैना बैठती थी आज दिखती नहीं है ये सब डीडीटी दवाइयों के छिड़काव का परिणाम है कहा जाएंगे हम हमें भी जवाब तो देना पड़ेगा नेचर को नेचर भी कह रही है कि ठीक है बेटा कर लो अपनी मनमर्जी तुम्हारे भी दिन आने वाले हैं तैयार रहो एक लाल कह रहा है कि डायनासोर गिद्ध नहीं है तो क्या नुकसान है मेरे लाल तुम्हें इतने महत्व बताए तब भी तुम प्रश्न खड़ा कर रहे हो कि ये नहीं है तो क्या नुकसान है ग्लोबल वार्मिंग जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण भी ये मनुष्य के कारण वर्तमान की ग्लोबल वार्मिंग है जिसके कारण भी बहुत बड़ी मात्रा में जीवों की आबादी कम हो रही है कभी कभी विदेशी प्रजातियों का आगमन भारत से एक कपल जिसको चूहे बहुत पसंद आए थे भारतीय ऑस्ट्रेलिया लेकर चला गया आज तक ऑस्ट्रेलिया वाले चूहो से लड़ रहे हैं क्योंकि वहां उनको खाने वाला कोई नहीं तो उनकी प्रजातियां नियंत्रित नहीं हो पा रही हमारे देश में अमेरिका ने 1960 सौ साठ के दशक में जब भुखमरी आई थी अकाल आया था तो गेहूं भेजा था उसमें उस बदमाश ने गाजर घास डाली थी तो उस विदेशी प्रजाति के कारण न जाने हमारी कितनी घास की अच्छी प्रजातियां विलुप्त हो गई बढ़ता शहरीकरण डीडीटी जैसे रसायन शिकार पोचिंग कुछ लोगों को शौक है क्या शोक है एक जंगली जीव को मारने का जो बिचारा शांत स्वभाव में अपना काम कर रहा है और आप छिप कर उसको मारकर अपने आप को तीस मार खा समझ रहे हैं अपने हाथ अपने हाथ में हथियार लेकर उस बिना हथियार वाले जीव को मारकर आपको लग रहा है कि आपने बहुत बड़ा शिकार कर दिया आप दुनिया के बहुत बड़े तीस मार का शिकारी हैं। अरे आप मूर्ख हैं, आप डरपोक हैं, आप गधे हैं क्योंकि आप एक ऐसे जीव को मारने की बात कर रहे हैं जिसकी और तुम्हारी तुलना ही नहीं है वो बिना हथियार के है शिकार कब होता है जब आप और वह निहत्य हैं और आप अपनी ताकत के बलबूते उसे पछाड़ रहे हैं केवल ताकत बुद्धि का उपयोग न करते हुए छिप रहे हो और अपने आप को तीस मार खा कह रहे हो पुराने राजा किसको पता कौन सी मानसिकता से भरे पड़े होते थे शिकार करने जाते थे तो सोचते थे कि बहुत बड़ा तीस मारखा बन गए आज उनकी संख्या कम हो गई है सरकार की दोषपूर्ण नीतियां भी सरकार ने समय रहते सरकार मतलब भारत ही ने विश्व की सरकारों ने समय रहते निर्णय नहीं लिए और इस कारण से जैव विविधता में कमी आ गई ये मानवीय कारणों के कारण जैव विविधता खत्म हो रही तो एक बार मैं फिर याद दिला दू कि जैव विविधता के विलोपन के दो कारण है प्राकृतिक और मानवीय प्राकृतिक ये वाले कारण है और मानवीय ये वाले कारण हैं जिनके कारण जैव विविधता खत्म हो रही है अब हमने देखा कि जैव विविधता की परिभाषा क्या है हमने देखा कि जैव विविधता के लेवल क्या हैं हमने देखा कि जैव विविधता का मापन कैसे होता है हमने देखा कि जैव विविधता ग्रेडियंट क्या होता है प्रवणता क्या होती है हमने देखा कि जैव विविधता का महत्व क्या है हमने देखा कि जैव विविधता को क्षति किन किन से है वर्तमान में जैव विविधता के संरक्षण के लिए दो प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं एक है मतलब टाइटल डालेंगे जैव विविधता का संरक्षण बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक है इन सी टू तो और एक है एक्स सी टू स्थाने यदि किसी प्रजाति को यदि किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास पर ही उसके प्राकृतिक आवास पर ही सुरक्षित कर दिया जाए यदि किसी प्रजाति को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही सुरक्षित कर दिया जाए उसके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाए उसके सुरक्षा की उसके संरक्षण का दायित्व हम ले तो उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन और यदि किसी प्रजाति के संरक्षण को यदि हम उसके प्राकृतिक आवास की जगह किसी अन्य जगह पर संरक्षित किया जाए तो उसे कहते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन एक्सी टू कंजर्वेशन इन सी टू और एक्स टू कंजर्वेशन एक, एक हॉटस्पॉट कैसे क्या आ गए हमारी टीम भी ना पहले हम कंजर्वेशन पर आ रहे हैं फिर एक सी टू और इन सीटू पर हा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पहले खत्म करेंगे एक सी टू मतलब पर इन सी टू मतलब स्वस्थाने संकटग्रस्त जातियों का उसी स्थान पर संरक्षण जहां वे प्राकृतिक रूप से निवास करती है संकटग्रस्त जातियों को उनके प्राकृतिक स्थान से शिफ्ट करके किसी अन्य जगह पर कृत्रिम रूप से संरक्षित करना इन सी टू कंजर्वेशन में द स्पीशीज कंजर्वेशन परफॉर्म ऑन साइट द स्पीशीज कंजर्वेशन दैट परफॉर्म एक्सटीरियर टू द नेचुरल हैबिटेट मतलब ऑफ साइट या नेचुरल हैबिटेट में होती है या आउटसाइड में होती है इन सीटू कंजर्वेशन में पॉपुलेशन रिमेन विथ इन द इको और इसी कारण से वह विकास इवोल्यूशन की प्रोसेस का नॉर्मल हिस्सा बनती है इवोल्यूशन मतलब उनके अंदर परिवर्तन जो भी आएंगे यहां उन्हें कृत्रिम रूप से सुरक्षित कर रहे हैं तो नेचुरल इवोल्यूशन नहीं होता यह ज्यादा डायनामिक है यह ज्यादा स्टैटिक है यह टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन ज्यादा बेटर है यह इफिशियंट है लेकिन कम सस्टेनेबल है इन सी टू और एक सी टू इन सी टू का मतलब होगा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इसके साथ साथ प्रोटेक्टेड एरियाज में या कम्युनिटीज एरियाज वाले क्षेत्र एक्सिटू में सीड बैंक निम्न ताप पर संरक्षण प्रिजर्वेशन जीन बैंक होम गार्डन और पौधों को पवित्र मानकर उन्हें सुरक्षित करना बोटनिकल गार्डन चिड़ियाघर एक्वेरियम ये सब कुछ टू कंजर्वेशन के हिस्से में आएंगे तो पहले हम टू कंजर्वेशन के टाइप और एक्स टू कंजर्वेशन की सारी चीजों को पढ़ रहे हैं सी टू कंजर्वेशन में हम किसी जीव को प्राकृतिक जगह से हटाकर कृत्रिम रूप से संरक्षित करते हैं मतलब हम उसे नेचुरल प्लेस की जगह पर उसके प्राकृतिक घर की जगह पर कृत्रिम रूप से चिड़ियाघर में बोटनिकल गार्डन में या फिर अगर जलीय जीव है तो एक्वेरियम में उसका अगर मान लो कि बीज नहीं बनता तो उसका जीन बैंक संभाल कर रखेंगे बीज बनता हो तो उसका बीज संभाल कर रखेंगे या उसे अत्यंत न्यून ताप पर संरक्षित करके रखेंगे जैसे चिड़ियाघर आजकल चिड़ियाघरों को अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक तरीके से संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है पहले के चिड़ियाघर होते थे जो छोटे से क्षेत्र में बनते थे और जिसमें पिंजरे के अंदर जीव जंतुओं को रखा जाता था वर्तमान के चिड़ियाघरों में बहुत बड़ा एरिया होता है आप अगर चिड़ियाघर में आजकल बाघ को देखोगे तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र उसे दिया जाता है ताकि उसका केवल मतलब मनोरंजन का उपयोग ना हो बल्कि उसको जीवित रहने और उसको संरक्षित करने के उपाय किए जाए अब बहुत बड़े क्षेत्र चिड़ियाघर में दिए जाते हैं और उन्हें प्राकृतिक आवाज जैसी स्थिति देने की कोशिश करते हैं ये 1972 टू के तहत ही सुरक्षित है और हमारे देश में एक सेंट्रल जू अथॉरिटी है जो चिड़ियाघरों का निरीक्षण करती है दूसरा है बोटनिकल गार्डन एक सीटू में ही एक में ही बोटनिकल गार्डन बोटनिकल गार्डन में अच्छे अच्छे किस्म के फूल नहीं लगे जा लगाए जाते बल्कि बोटनिकल गार्डन में हम उन पौधों को लगाते हैं जो एंडेंजर्ड संकटग्रस्त होते हैं वो भले ही अच्छा फूल न दे लेकिन उसकी संख्या कम हो रही है तो उसे किसी बोटनिकल गार्डन बनाए जाते जैसे जहां मुखर्जी नगर है वहां यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है वहाँ एक बोटनिकल गार्डन है नोएडा में बोटनिकल गार्डन है कलकत्ता में बोटनिकल गार्डन है सरकार ने कई जगह बोटनिकल गार्डन बना के रखे हुए हैं सीड बैंक जीन बैंक ये अमीर देशों के पास टेक्नोलॉजी होती है पैसा होता है क्योंकि एक सीड बैंक को भी या जीन बैंक को अत्यंत न्यून ताप पर सुरक्षित करके रखा जाता है सोचो कि 20 साल 50 साल 200 साल अब इन 200 साल में कभी भी फ्रिज बंद नहीं कर सकते हम तो थोड़ा टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए खर्चीली होती है पर विकसित देश पौधों को बचाने के लिए उनके जीन या उनके सीड को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक रह सकते हैं फिर आते हैं इन सीटू कंजर्वेशन में इन सीटू कंजर्वेशन इन सीटू कंजर्वेशन में उनके प्राकृतिक आवास पर ही सुरक्षित रखते हैं सबसे पहला इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य आपने सुने होंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज राज्य सरकार के अधीन बनते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य किसी एक प्रजाति के लिए बन सकते हैं जैसे पक्षियों के लिए बन सकते हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वन्य जीव अभ्यारण्य में याद रखना कि मनुष्य की गतिविधियाँ अलाऊ है थोड़ी बहुत मतलब आप शिकार नहीं कर सकते लेकिन आप घास चराने के लिए भेड़ों को लेकर जा सकते हैं आप वहाँ सूखी लकड़ी कलेक्ट कर सकते हैं रेशम के कीटों का कलेक्शन कर सकते हैं यदि आप चाहे तो वहाँ मधुमक्खी का मतलब शहद का कलेक्शन कर सकते हैं कुछ मतलब वनस्पति के उत्पाद प्राप्त कर सकते कुछ अनुमति वहाँ होती है पर्यटन कर सकते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 के कानून के तहत ही बनता ये कानून 1972 में ही क्यों बना था? क्योंकि में पूरे विश्व स्टॉक होम सम्मेलन के परिणाम दिखाई दे रहे थे क्योंकि सभी समुदाय वैश्विक ने दबाव डाला था सरकारों पर कि आप पर्यावरण की रक्षा वन्य जीवों की रक्षा शुरू कर दीजिए तब हमारे देश में भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 पारित किया गया था मानवीय गतिविधियां की अनुमति है पर्यटन की अनुमति होती है याद रखो किसी क्षेत्र को नेशनल पार्क या वन्य जीव अभियारण्य घोषित किए जाने से पहले राज्य सरकार को एक अधिसूचना जारी करनी होती है और फिर नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से अनुमति लेनी होती है जब ये चीज पूरी हो जाए तभी किसी क्षेत्र को राज्य सरकार घोषित कर सकती है वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में कुल पाँच वन्यजीव वन्य जीव अभ्यारण्य हैं अभी तक हो सकता है आप अगले साल पढ़े तो नंबर बदलेगा ये इतना क्षेत्र कवर करते हैं भारत का जो कि भारत के टोटल भूगोल का तीन दशमलव सात तीन प्रतिशत क्षेत्र है इसमें कुछ मानवीय गतिविधि की अनुमति होती है लेकिन नेशनल पार्क में मानवीय गतिविधि की अनुमति बिल्कुल नहीं के बराबर होती है मतलब मानवीय गतिविधियां नहीं के बराबर मतलब केवल पर्यटन बाकी आप सूखी लकड़ी भी नहीं उठा सकते आप मधुमक्खी पालन मछली पालन रेशम कीट पालन या फिर गाय बकरियों को भी नहीं चरा सकते इसके भी दो जोन होते हैं कोर ज़ोन और बफर ज़ोन ज़ोन कोर जोन में तो प्रवेश भी नहीं कर सकते पर्यटन के लिए पर्यटन केवल बफर जोन में ही होता है ये भी उन्नीस के कानून के तहत बनता है केंद्र सरकार इसको बनाती है या पशु पक्षियों का शिकार करना मछली मारने तक पर भी प्रतिबंध होता है जंगली जानवर के आवास को आप नष्ट नहीं कर सकते पशु चारण पर बैन होता है हथियार नहीं ले जा सकते और इसकी सीमाओं को कोई भी राज्य सरकार जनरली नहीं बदल सकती। भारत में कुल 106 नेशनल पार्क हैं, जो लगभग इतने एरिया को कवर करते हैं भारत का 1.33 परसेंट जियोग्राफिकल एरिया और इस वेबसाइट से आपको हमेशा डाटा मिलेगा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस जम्मू कश्मीर में है फिर सबसे छोटा आई थिंक अब लद्दाख में है कि नहीं चेक कर लेना प्लीज इसको पर जम्मू कश्मीर मेरे हिसाब से सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड वाला है अंडमान निकोबार पर अभी लेटेस्ट में जो बना 2021 दिहांग पटकाई असम में और रेमोना असम में मैक्सिमम नेशनल पार्क हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश में दस है फिर आते हैं बायो रिजर्व बायो रिजर्व ये प्रोग्राम इंटरनेशनल है इंटरनेशनल मतलब राज्य स्तरीय वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज केंद्र स्तरीय नेशनल पार्क और इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम है ये 1972 में मेन एंड बायो प्रोग्राम के तहत जैव विविधता के संरक्षण की सबसे बड़ी इकाई सबसे बड़ा कार्यक्रम जिसमें मनुष्य और वन्य जीवों के अस्तित्व की बात की गई थी एवं वन्य जीवों के सह अस्तित्व की भारत में कार्यक्रम थोड़ा डिले शुरू हुआ इट इज द इंटरनेशनल प्रोग्राम किसके अंडर में होता है यूनेस्को 1971 में इसकी रूपरेखा तैयार की गई ह्यूमन एंड बाइस पर प्रोग्राम के तहत इसका मेन मकसद है मनुष्य और वन्य जीवों का अस्तित्व किसी कहीं भी जगह जब बायुस पर रिजर्व होता है उसके तीन जोन होते हैं कोर जोन बफर जोन और ट्रांजिशनल जोन कोर जोन में किसी को अनुमति नहीं होती है सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है सबसे ज्यादा जीव मिलते हैं बफर जोन में पर्यटन की अनुमति होती है लेकिन ट्रांजिशनल जोन में आप कृषिगत कार्य भी कर सकते हैं ट्रांजिशनल जोन की कोई बाह्य सीमा नहीं होती है कोर जोन और बफर जोन की बाह्य सीमा होती है कोर जोन एक एरिया होता है जहाँ सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है ये भी 1972 के तहती शक्ति प्राप्त करते बनाने की। इसमें ह्यूमन की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है केवल शोध करने वाले और सुरक्षा कर्मचारी इसमें जा सकते हैं बफर जोन कोर जोन के चारों तरफ होता है बायोडाइवर्सिटी कम होती है पर्यटन की अनुमति होती है ट्रांजिशनल में कोई आउटर लिमिट नहीं होती सबसे बाहरी भाग है सबसे बड़ा भाग यही होता है यहां केवल उद्योग की अनुमति नहीं बाकी सब की अनुमति है कुछ इस तरीके का होगा कोर ज़ोन बफर जोन और ट्रांजिशनल जोन या मनुष्य की बस्तियां और खेती भी होती है भारत में वर्तमान में कुल अठारह बायोस्पेयर रिजर्व है जिसे यूनेस्को ने जिसमें से यूनेस्को ने बारह को अपनी वैश्विक सूची में शामिल किया है ये समय समय पर सूची बढ़ती रहती है जैसे लास्ट ईयर एक को जोड़ा गया अब हमारे देश के अठारह बाईस पे रिजर्व में से बारह बाईस पे रिजर्व ऐसे हैं जो यूनेस्को ने अपनी वैश्विक सूची में शामिल किए हैं जिसमें भारत का सबसे बड़ा बाईस पे रिजर्व गल्फ ऑफ कच्छ है अब ध्यान से सुनना देखो पूरे अठारह में सबसे बड़ा कच्छ का रन है लेकिन जो बारह सूची है बारह की उसमें सबसे बड़ा मन्नार की खाड़ी है मेरी बात समझे आप अठारह में सबसे बड़ा कच्छ का रन है लेकिन जिनको मान्यता मिली है उसमें सबसे बड़ा मन्नार की खाड़ी है ओवरऑल सभी अठारह में सबसे छोटा डिब्रू सिखो है सबसे छोटा डिब्रू सिकोवा असम का है लेकिन जो बारह हैं, उन बारह में सबसे छोटा हम देखेंगे कि नोकरेक है आगे देखेंगे नोकरेख मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है पर आगे देखेंगे तो अठारह में कौन और बारह में मैं आगे डाटा बताऊंगा थोड़ा ध्यान से समझना अभी लेटेस्ट में जिसको बायोस्पे रिजर्व यूनिस्को की सूची में जगह मिली है वो पन्ना है 18 में डिब्रू सिकोआ नीलगिरी 22 पे रिजर्व भारत का पहला 22 पे रिजर्व था भारत के ये 22 पे रिजर्व हैं कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है याद रखना नंदा देवी उत्तराखंड कच्छ का रण पन्ना दिहांगवेली डिब्रू सिकोआ असम में मानस असंग में सिक्किम में कंचनजंगा मेघालय में नोकरेख सुंदरवन सिमलीपार अचन कमार अमरकंटक पंचमढ़ी पन्ना एमपी में तीन हो गए ये दोनों में आता है ये पर एमपी का भी माना जाएगा श्रीशैलम नीलगिरी अगस्ते मलाई गल्फ ऑफ मन्नार और ग्रेट निकोबार ये पूरे याद होने चाहिए ये पूरे अट्ठारह हैं जिनको नोटिफाइड भारत सरकार ने किया है देखना इसमें सबसे बड़ा मैं दिखा दे रहा हूं आपको ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है ओरिजिनल वेबसाइट से लिया गया है सबसे बड़ा देखिए अगर आप देखेंगे इसमें तो कच्छ कारण बारह साढ़े बारह हजार वर्ग किलोमीटर लेकिन ये अठारह में है पर कच्छ कारन बारह में शामिल नहीं है तो सबसे बड़ा मन्नार की खाड़ी है सबसे छोटा डिब्रू सिखोवा है लेकिन जिसको लिस्ट में जगह दी गई है उसमें देखना अधिसूचित किया गया है अभी नोकरेख को मैं देख लेता हूं सबसे छोटा फिर भारत में अठारह अधिसूचित है जिसमें बारह को यूनिस्को की सूची में शामिल किया गया है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है सबसे छोटा है नोकरे देख लीजिए सबसे छोटा नोकरेख है और सबसे बड़ा गल्फ ऑफ मन्नार ये वो बारह हैं जिनको सूची में शामिल किया गया सबसे पहले नीरगिरी को फिर गल्फ ऑफ मन्नार को फिर सुंदरवन फिर नंदा देवी फिर नोकरेख पंचमढ़ी सिमलीपार अचन कमार ग्रेट निकोबार अगस्त्य मलाई कंचनजंगा और पन्ना 2020. तो ओवरऑल अठारह में सबसे बड़ा कच्छ कारण है और सबसे छोटा डिब्रू हो होना. लेकिन जो 12 अधिसूचित है यूनेस्को की सूची में उनमें जो सबसे बड़ा है वो है मन्नार की और सबसे छोटा नोकरेक है सबसे पहला नीलगिरी वाला और अभी लेटेस्ट में पन्ना है हमें एक एक को पढ़ना है भाई जी हाँ सबसे पहला नीलगिरी बायोस्पे रिजर्व नीलगिरी पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर दक्षिण भारत में मिलता है और इसके बारे में बहुत सी बातें पूछी जाती है इसका कोर जोन देख लो इसका मेन्युपुलेट मतलब टूरिज्म कहाँ तक अलाउ है नीलगिरी बायोस्पे रिजर्व भारत का पहला बायोस्पे रिजर्व है 1986 में स्थापित किया गया था 2000 में यूनेस्को ने इसे अपने वैश्विक सूची में शामिल किया था पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट में और तीन राज्य इसमें तमिलनाडु केरल कर्नाटक क्षेत्रफल याद रखना क्योंकि पहला है और यहाँ वर्षा वन बड़ी मात्रा में इसके अलावा यहाँ भवानी मोयार काबिनी कावेरी की सहायक नदियाँ चालियार पूनम पूजा ऐसी नदियाँ बायोस्पेयर से गुजरती है ये भी पूछा जाता है इस बायोस्पेयर रिजर्व में मधुमलाई वन्यजीव जीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व भी है वायनाड वन्य जो अभ्यारण्य है बांदीपुर टाइगर रिजर्व है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल टाइगर राष्ट्रीय उद्यान मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली है पिछले साल मतलब 2019 में पिछले से पिछले साल में ये पूछा गया था कि नीलगिरी बाय रिजर्व में कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र है ऐसा ही याद करना है इतने ही सवाल आ रहे हैं आजकल इसमें से तो इतने बायोस्पिर रिजर्व है इतने संरक्षित क्षेत्र है इस बायोस्पेयर मतलब सबसे बड़ा है ये नीलगिरी ताहर नीलगिरी रंगूर शेर जैसी पूछ वाला बंदर फेमस है यहां देख लीजिए सांबर सबसे बड़ा हिरन माना जाता है यहां का ये नीलगिरी ताहर नीलगिरी रंगूर ये शेर की पूछ वाला बंदर चीतल सांबर हिरन एशिया का सबसे बड़ा हिरन है और ग्रेट हॉर्नबिल दूसरा है मन्नार की खाड़ी बायोस्पेयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी भारत का पहला तटीय बायोस्पेयर रिजर्व था मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है निशान जहाँ लगा रहा वही करना तमिलनाडु में स्थित है तटीय प्रकार का बायस रिजर्व है सबसे बड़ा बायस रिजर्व है जिसको अधिसूचित किया गया है उसमें यह दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया का पहला समुद्री बायस रिजर्व भी था और यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है जो समुद्री गाय है समुद्री गाय यहाँ बड़ी फेमस है ड्यूगोंग जिसको कहते हैं एकमात्र शाकाहारी स्तनधारी पूरी तरह से जो केवल शाकाहारी पर निर्भर है इसलिए इसको गाय नाम दे दिया है समुद्री गाय और इसके अलावा कई और जीव भी मिलते हैं इसमें मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क भी है ग्रीन टर्टल डॉल्फिन फिर है नंदा देवी बाइस पर रिजर्व आ जाइए उत्तराखंड में उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी भारत की दूसरी ऊंची चोटी है देखो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू दूसरी कंचनजंगा तीसरी नंदा देवी है लेकिन दूसरी नंदा देवी कब होगी जब महान हिमालय की पूछी जाए क्योंकि महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में है वो कंचनजंगा है फिर दूसरी नंदा देवी हो जाती है क्योंकि केटू ट्रांस हिमालय की है पार हिमालय की है नंदा देवी बाय रिजर्व के सुरक्षित क्षेत्र में नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये दो चीजें मिलती है यहाँ हिम तेंदुआ हिमालय कस्तूरी मृग हिमालयी काला भारू भारत भारल नीली पहाड़ी बकरी हिमालयी तहर ऐसी कई प्रजाति के अलावा देवदार सनोबर रोडोडेंड्रान जूनीपर जैसी वनस्पतियां मिलती है स्नो हिमालयी कस्तूरी मृग हिमालयी काला भालू हिमालयी तहर देखना वो नीलगिरी तहर अलग था ये हिमालयी तहर है देवदार का पेड़ सनोबर रोडोड सबसे ऊंचे पौधों में गिने जाते हैं जूनी पर यहां दो जनजातियां निवास करती इंडो मंगोलाइड और इंडो आर्यन नोक्रेक बाइस मेघालय मेघालय में गारो हिल्स में मिलता है सबसे छोटा बाइस पर रिजर्व है जिनको मान्यता प्राप्त है नौकरे पर रिजर्व में सदाबहार वन मिलते हैं नदियां यहाँ से गुजरती है लाल पांडा एशियन हाथी मार्बल कैट सुअर जैसी पूछ वाला बंदर गिब्बन इकलौता यही पर मिलता है गिब्बन कपी का एक प्रजाति विशाल उड़न गिलहरी ऐसी कई प्रजातियां हैं और यहां पर इकलौता कपी हु गिब्बन की बहुत बड़ी आबादी है यह है जाइंट फ्लाइंग मतलब एक तरीके की गिलहरी उड़ने वाली रेड पांडा मार्बल कैट ये तो घर में भी मिल जाएगी आप कहेंगे पिकटेल मकाक मतलब सुअर की पूछ वाला बंदर गिब्बन इकलोता आ, कपी है वन मानुष जैसा कि जिसे कहते गए, फिर है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है यहां बोरी अभ्यारण्य पंचमढ़ी अभ्यारण्य और सतपुड़ा नेशनल पार्क है यहां पर कई प्रकार की प्रजातियां हैं बड़ी गिलहरी उड़ने वाली गिलहरी यहां भी है बारा सिंगा जंगली भैंसा और क्रस्टेड सरपेंट ईगल टिक के पौधे हैं मतलब सागवन के पौधे हैं साल के पौधे जिसकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है सुंदरबन रिजर्व पश्चिम बंगाल गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरबन नेशनल पार्क है सुंदरबन टाइगर रिजर्व है सजन लेखी वन्य जीव अभ्यारण्य लोथियन वन्य जीव अभ्यारण्य है हॉलीडे वन्य जीव अभ्यारण्य हॉलीडे पूछा गया था इसी के अंतर्गत बंगाल टाइगर के लिए फेमस है ये इसके अलावा छोटे पंख वाले उदबिलाव गंगा डॉल्फिन दलदली नेवले जंगली रिसस बंदर भी है ये उदबिलाव है गंगा डॉल्फिन, दलदली नेवले जंगली रिसस मंकी गुलाबी सिर वाला तोता फ्लाई कैचर पक्षी किंग फिशर ये भी बड़े एक जमाने में शुभ माने जाते थे अब तो दिखते ही नहीं और सुंदरी के वृक्ष यहाँ सुंदरी के वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदर वन है पर यह सुंदर नहीं है सिमली पार बाइस परिज उड़ीसा में लाल कपास के कारण इसका नाम सिमली रख दिया गया क्योंकि सिमली कपास की यहां प्रजाति मिलती है राज्य के मयूरभंज जिले में यहाँ इसका नाम लाल कपास के कारण रखा गया है यहाँ पर वेतरनी और स्वर्ण रेखा नदियां बहती है यहाँ सिमलीपाल हदगढ़ कुलदिया वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पर साल वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है रेड ब्रिस्टेड फाल्कनट गौर जंगली भैंस की एक प्रजाति मिलती है रेड ब्रिस्टेड फाल्कनट रॉयल बंगाल टाइगर एलिफेंट इसके अलावा दो जनजातिया इरेंग खरिया और मेना कार्डियस मिलती है इरेंग खरिया और मेना कार्डियस जनजातिया मिलती है अचन कनार अमरकंटक बायसपे रिजर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में अमरकंटक अचन कमार अचन कमार टाइगर रिजर्व वन्य जीव अभ्यारण्य मिलता है नर्मदा जोहिला सोन नदी यहां से बह रही है सांबर हिरण नील गाय नील गाय कुछ जगह पर इतनी बढ़ गई है कि उन्हें वर्मी प्रजाति घोषित करके उनके शिकार की अनुमति है लगड़बग्गे चीतल गौर ये इस प्रकार के जीव यहाँ मिलते हैं तेंदुआ बंगाल टाइगर भी जंगली भैंसा चीतल और यहाँ पर चिंकारा भी मिलता है स्ट्रिप्ड हाइना और चार सिंग वाला मृग यही पर मिलता है चार सिंग वाला सिंह अगस्त्य मलाय तमिलनाडु तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है अगस्त्य मलाय नयार वन्य जीव अभ्यारण्य पिपारा वन्य जीव अभ्यारण्य शेन्दु में वन्य जीव अभ्यारण्य कालाकन मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व याद रखना यही कठिन होते हैं और इसी को पूछा जाता है करण आदिवासी जनजाति मिलती है जो विश्व की प्राचीनतम जनजातियों में एक मानी जाती है यहाँ शोला वन मिलते जो सदाबार वनों को शोला वन कहते हैं नीलगिरी तहर एशिया नहाती कंचनजंगा बायर्व सिक्किम में अगर हम बातचीत करें तो नेपाल उधर चीन सारी जगह आ जाती है लेकिन सिक्किम में मुख्य रूप से ऊंचाई पर मिलने वाला 22 पर रिजर्व है ये तिस्ता नदी यहाँ से बहती है पेड़ कई बड़ी तादाद में मिलते हैं भोकने वाला हिरण यहाँ मिलता है भोकने वाला हिरण हिम तेंदुआ जंगली गधा नहीं वो कच्छ के में लाल पांडा उड़ने वाली गिलहरी भोकने वाला हिरण हिमालयन तहर पन्ना 22 पे रिजर्व मध्य प्रदेश जो अभी लेटेस्ट में शामिल किया गया 2020 में केन नदी से होकर गुजरता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यहां पर है ग्रेट निकोबार बायस प्रिजो द्वीप पर है दो राष्ट्रीय उद्यान कैंपबेल और गेलीथियो राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट निकोबार बाइस रिजर्व में मिलते हैं या केकड़े खाने वाले प्रसिद्ध मकाक डुगांग, निकोबार मेगापोड, खारे पानी के मगरमच्छ ये सब मिलते हैं अब हम बातचीत करेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में मुझे लग रहा था कि हो जाएगा लेकिन नहीं होगा हम अब, अब इसमें चर्चा करेंगे जो हॉट स्पॉट और हॉप स्पॉट की बातचीत थी हॉट स्पॉट और हॉप स्पॉट क्या होते हैं हॉट स्पॉट और हॉप स्पॉट नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बाय शेयर लाइक करते चला करिए।